हेलो भाई लोग, और क्या आप जानते हो कि राम भगवान मांस खाते थे? ये चौंका देने वाली बात साउथ की एक मूवी ने लोगों के सामने रखी, वो भी खुद वाल्मीकि जी के श्लोक के आधार पर। तो क्या मेकर्स सही है? नहीं, आज जानेंगे कि कैसे चतुराई से मेकर्स ने दूसरे आधे श्लोक को काट के हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ा दिया। ऐसे ही पीके मूवी ने शंकर भगवान का और रॉकस्टार मूवी ने हमारे आध्यात्मिक मंत्रों का खुलेआम अपमान किया। तो क्या मेकर्स चंद पैसे कमाने के लिए ऐसा सब जानबूझकर करते हैं? और अगर हाँ, I'm a big beef guy. तो फिर रणवीर कपूर बीफ खाकर भी अयोध्या की पावन नगरी में कैसे पहुंचे? इन सारे राजों के साथ सबसे बड़ा पर्दा अमिताभ बच्चन की एक हिंदूफोबिक मूवी से उठेगा, वो कौन सी है? आइए जानते हैं। नंबर वन, बेशरम रंग। भगवा रंग सनातन धर्म के लिए बलिदान, मोक्ष और प्रकाश का प्रतीक है, मगर उसी को एक गाने ने बेशरम कह दिया। वो भी उस फिल्म ने जो बॉलीवुड की पहली 1,000 करोड़ कमाने वाली मूवी बनी थी। जी हाँ, फैक्ट बाय ट्यूब पे धूम मचाया उतना ही उसने लोगों के बीच आग फैला दी। हुआ यूं कि गाना 2022 दिसंबर में रिलीज हुआ और दीपिका को भगवे बिकनी में नाचते देख कई हिंदू नाराज हो गए। इनफैक्ट अयोध्या के आचार्य ने ये तक कह दिया कि अगर वो कभी जिहादी शाहरुख को मिलेंगे तो उसे जिंदा जला देंगे। जिस दिन शाहरुख खान मिल गया उस जिहादी को जिंदा जला दूंगा। और प्रोटेस्ट की इस आग में पूरे देश में इस मूवी को ना रिलीज करने की दरख्वास्त की गई। यानी शायद यही अहम कारण है कि अयोध्या मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में SRK जैसी हस्ती को आमंत्रित नहीं किया गया, वो भी इंडियन ऑफ द ईयर बनने के बावजूद। अब जब इतना कुछ हो गया, उस बिकनी का क्या? तो भाई लोग, इतने विरोध के बावजूद मेकर्स ने कोई एडिटिंग नहीं की और फिल्म को वैसे ही थिएटर्स में रिलीज किया, यानी हिंदुओं की भावना को फिर एक बार ठुकराया गया। नंबर टू, अश्लील है ये गाने। भारत माता यानी दुर्गा माँ और काली माँ का संगम होता एक स्वरूप। इतना ही नहीं, आज हम इंडिया में अपनी भूमि को भारत माता कहते भी हैं और माता के मंदिरों में जाते हैं, पर हिंदुओं के लिए दिव्य मानी जाती इस देवी को 2014 में आने वाली यारियां ने अपवित्र दिखाया। मूवी के एक प्ले में जब एक सोल्जर मर रहा है तो उससे अंतिम बार मिलने खुद भारत माँ आती है, लेकिन इमोशनल सुनाई देते इस सीन में अश्लीलता भर के मेकर्स ने भारत माता के कपड़े उतारते हुए दिखा दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद शीला की जवानी गाना भी बजता। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? वैसे ही हिंदू देवी देवताओं का नाम लेकर स्टूडेंट ऑफ द ईयर ने राधा सॉन्ग रिलीज किया था। यहाँ साफ साफ आलिया को राधा और वरुण धवन को कृष्णा कहा गया और गाने के लिरिक्स में राधा के ठुमके। और उनकी दो बल जवानी का जिक्र हुआ। फिर हुआ प्रोटेस्ट और लिरिक्स को थोड़ा बदला गया, मगर एडिट से पहले इस गाने के लिरिक्स राधा लाइक्स टू मूव दैट सेक्सी राधा बॉडी थे, यानी हिंदू देवताओं के अपमान के बिना इनकी दाल नहीं गलती। नंबर थ्री, दुनिया की सबसे हिट फिल्म। सदी के सबसे बड़े महानायक, एक एंटी हिंदू, अपने हाथ में चोट आने के बावजूद राम मंदिर जाने वाले अमिताभ असल में कौन है? इसका खुलासा खुद रॉ के एक्स एजेंट एनके सूद ने कर दिखाया। उन्होंने बताया कि कैसे दीवार मूवी में अपनी माँ के लाख समझाने के बाद भी अमिताभ मंदिर की सीढ़ी नहीं चढ़ता, लेकिन एक कामगार के कहने पर बिल्ला 786 पहन लेता है। और भाई लोग, इस्लाम में 786 का मतलब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम होता है। इनफैक्ट मूवी में ये बिल्ला अमिताभ की जान तक बचाता है। बिल्ला नंबर 786, तो इसने तुम्हें बचा लिया। जी हां, वेरी लकी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब मूवी के अंत में अमिताभ को गोली लगती है तो वो मंदिर जाता है, यानी ये सिंबल है कि शायद भगवान उसकी जान नहीं बचा सकते। ऐसे आरोप से घिरी अमिताभ की दीवार ना सिर्फ इंडिया में लेकिन पूरी दुनिया में सुपरहिट हुई। इसीलिए तेलुगु, तमिल, मलयालम को छोड़कर पर्शियन, टर्किश और हांगकांग की लैंग्वेज में भी दीवार का रीमेक बना। तो हिंदू धर्म का ऐसे खुले में मजाक उड़ाने वाली मूवी सभी जगह आग की तरह फैलती ही रही। आपको क्या लगता है, दीवार मूवी पर कोई सवाल आज तक क्यों नहीं उठे? नंबर फोर, बिस्मिल की गलती। 2 घंटा 40 मिनट की हैदर कुल 41 कट्स के बाद रिलीज की गई थी, जिसमें 7 कट्स खुद सेंसर बोर्ड ने विशाल भारद्वाज को दिए थे, लेकिन कट्स की गिनती अगर 8 होती तो शायद आज हैदर हिंदुत्व के कटघरे में खड़ी ना होती। 2015 में कई अवार्ड जीतने वाली इस मूवी में क्लाइमेक्स बिस्मिल नाम का एक गाना आता है।
इसकी शूटिंग जम्मू के मार्तंड सन टेम्पल पर हुई, जो कि मुगल शासकों द्वारा बेरहमी से तोड़ा गया था। और इस टूटे हुए मंदिर में शूट हुए बिस्मिल गाने में मंदिर को शैतान का घर दिखाया गया। हालांकि जब फिल्म रिलीज हुई तब कश्मीरी पंडितों ने इसका विरोध प्रकट किया, मगर इसका परिणाम कुछ भी नहीं। और चलें, अगर गाने को साइड में कुछ देर के लिए रख भी दें तो हैदर में काम करने वाले आतंकवादी का क्या? जी हां, साकिब बिलाल शेख, जिसने हैदर में 15 सेकंड का किरदार निभाया था, उसे पुलिस ने एक गन फाइट के दौरान मार दिया। नंबर 5, क्या कहा भाई लोग, एक अच्छी बिरयानी बनाने के लिए क्या चाहिए? दावत के चावल, KFC से भी बढ़िया चिकन या फिर जायकेदार तड़का? वेल, चाहे इसका जवाब कुछ भी हो, पर नयन तारा के लिए एक अच्छी बिरयानी का मतलब है नमाज। यही चीज उन्होंने अपनी मूवी में अन्नपूर्णी में भी डाली, जहाँ नयन तारा की फैमिली को हिंदू फॉलोअर्स दिखाए और नयन तारा को एक कंफ्यूज लड़की, पर इसी कंफ्यूजन वाले मूवी में एक ऐसा मंत्र का उल्लेख किया, तत्र हत्वा सदुरम अमेरिकान आदायम मेद्याम द्वारिदम बुभुक्षितम, कि राम मंदिर के उद्घाटन के पहले पूरा भारत भड़क उठा। उसमें कहा गया कि राम अपने वनवास में मांस का सेवन करते थे, पर जिस मंत्र के आधार पर ये डायलॉग बनाया गया वो दरअसल आधा है। बाकी के श्लोक में लिखा है कि भगवान राम ने वरा, हिरण और रशद पर बाणों की बारिश भी की थी, मगर भूख लगने पर वो फल फूल का ही सेवन करते। तो ये अधूरी कहानी दिखाकर लोगों को भड़काने का काम क्यों? लेकिन चंद कंट्रोवर्सी कमाने के चक्कर में नेटफ्लिक्स को पूरी मूवी ही अपने प्लेटफॉर्म से निकालनी पड़ी। इतना ही नहीं, खुद नयनतारा को भी लोगों से माफी मांगनी पड़ी थी। नंबर 6, बिग फूडी। रणवीर को अयोध्या में घंटी बजाते तो आप सभी ने देखा ही होगा। इतना ही नहीं, जब रणवीर वहाँ अपनी बेटी को याद करते हैं तभी कईयों को वो ऑ मूवमेंट लगा, पर तब का क्या, जब लोगों ने रणवीर के बीफ लवर वाले कमेंट पे आपत्ति जताई थी। मटन पाया बीफ, रेड मीट, रेड मीट, आई एम अ बिग बीफ गाय। मगर क्या आप जानते हो कि आखिर ये कमेंट कब का है? दरअसल ये बयान रणवीर ने अपनी फिल्म रॉकस्टार के प्रमोशन के वक्त दिया था। इनफैक्ट रॉकस्टार मूवी के एक सीन में जॉर्डन और रणवीर एग्रीमेंट फाड़ के हिंदू मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम मंगल्यम तम तुनाने नमः स्वाहा, और उसमें माँ की आंख जैसे शब्द डाल देते हैं, ओम एग्रीमेंट की माँ की आंख स्वाहा। और जब इनकी शमशेरा रिलीज हुई तब फिर बाय गॉड का नारा उठा, आई कांट, मतलब मैं गाली दे दूंगी, बैड, डोंट वॉच शमशेरा। वो भी इसलिए क्योंकि उस मूवी में विलेन के माथे पर एक बड़ा सा तिलक लगाया गया। तो जब ऐसे में रणवीर ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन पर उज्जैन मंदिर गए तो उन्हें बजरंग दल वालों ने अंदर ही नहीं जाने दिया। शायद इसीलिए लोग नाराज हो गए थे जब रणवीर को राम भगवान की भूमिका के लिए चुना गया। अब मूवी आने पर ही पता चलेगा कि कहीं मेकर्स ने गलती से फिर आदि पुरुष तो नहीं बनाई। नंबर 7, पीके हैं हम। एक मूवी को हिट कराने के लिए मेकर्स किस हद तक गिर सकते हैं? मतलब भगवान का मजाक उड़ाओगे तो आपकी मूवी पक्की हिट। और ये फैक्ट भाई हवा में नहीं, एक रिसर्च के सारे बोल रहा है। IIM के धीरज वर्मा ने 1950 से 2010 तक की मूवीज उठाई, जहां हर दूसरी मूवी में एक मुस्लिम को अच्छा और दिलदार बताया है और एक हिंदू को दुष्ट पाखंडी। इसीलिए जब पीके मूवी में शिव भगवान को एक भगोड़ा दिखाया तो जनता भड़क उठी। वहीं जब आमिर से सबने इसकी सफाई मांगी तो उन्होंने कहा कि शिव एक बड़ी हस्ती है, मैं कौन हूँ मजाक उड़ाने वाला। देखिए, शंकर भगवान जी बहुत बड़ी हस्ती है, वो ऑलमाइटी है, तो हम उनका मजाक उड़ाने वाले कौन होते हैं। अब सोचो, ऐसे में अगर दूसरे धर्म के भगवानों को दिखाया जाए तो वेल, चाहे कोई भी फिल्म हो, किसी भी धर्म का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन तांडव वेब सीरीज को कौन समझाए जिसमें शंकर भगवान के मुंह से गाली निकलते निकलते रह जाती है। हालांकि लोगों के प्रोटेस्ट के बाद Amazon प्राइम ने उस सीन को निकाल दिया। ये सब के बावजूद तांडव को करोड़ों लोगों ने देखा। तो भाई लोग, इससे ऐसा लगता है कि कमी शायद हम में ही है जो इन शोज को दिन रात एक करके हम बिंज वॉच करते हैं। नंबर 8, पैर पे कुल्हाड़ी, शेम ऑन यू अक्षय। ये नारा पूरे ट्विटर पर छा गया था जब अक्षय ने लक्ष्मी बॉम्ब का किरदार लॉन्च किया। उस ट्रेलर में अक्षय का नाम आसिफ था और कियारा का नाम प्रिया, यानी कुल मिलाकर लव जिहाद को सरासर प्रमोट किया जा रहा था। इतना ही नहीं, लोगों को इस बात से भी ठेस पहुंची थी कि क्यों अक्षय कुमार की मूवी में लक्ष्मी माता का नाम है लक्ष्मी, और उसके बाद बॉम्ब, जिसके साथ साथ इस फिल्म की प्रोड्यूसर पे भी कई इल्जाम लगे, जैसे कि एंटी इंडियन बातें बोलना। अब जहां इल्जाम इतने तगड़े थे तो मूवी कैसे ही चलती। लोगों के बीच ऐसी नाराजगी तब भी हुई जब अक्षय कुमार के भूल भुलैया मूवी में हरे राम सॉन्ग निकाला। ना सिर्फ इस गाने में भगवान का नाम लिया पर बैकग्राउंड में डांसर्स को भगवा कपड़ा पहनकर नचाया भी गया। इतना ही नहीं, अगर आप देखोगे तो कई लड़कियों ने पैंट के तौर पे कुछ भी नहीं पहना था, लेकिन फिर भी अक्षय कुमार की वाहवाही की गई जब उन्होंने मिशन मंगल, राम सेतु और OMG
जी जैसी मूवीज की। और तो और 2014 से अक्षय कुमार ने 11 पैट्रियोटिक फिल्में की हैं, यानी अक्की लोगों से शेमोन यू भी बुलवाते हैं और बाद में वी लव यू भी ट्रेन कराते हैं। तो भाई लोग, ये थी वो मूवीज जो न सिर्फ हिंदू लोग हिंदू देवी देवताओं का खुलेआम अपमान करती हैं, लेकिन आज ऐसा ही हाल पाकिस्तान की मूवीज का भी है, जिसने सनातन का नाम मिट्टी में मिला दिया। इस आई बटन पर क्लिक करके जानिए वो कौन सी पाकिस्तानी फिल्म थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।